नमस्कार, हरियाणा डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष। पंचायत चुनावों को लेकर है सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जिस प्रकार कल से चुनावों को लेकर है, पंचायत चुनावों के जो सिंबल हैं अलग अलग प्रत्याशियों के वो आ चुके हैं, उसको लेकर है गांव का जो माहौल है पूरा गर्मा चुका है। जो प्रत्याशी हैं अपना अपना जो दमखम है वो लगा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से अपने प्रचार को लेकर है मिल रहे हैं। और दूसरा है कि चुनावों में जो निशान मिले हैं उन पर जो है अपील कर रहे हैं कि चुनावों में किस प्रकार उनको समर्थन मिलेगा और कैसे उनकी सपोर्ट करें। तो मेरे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या कहेंगे, कौन कौन से प्रत्याशी आपके गांव में चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी, जिसमें एक बलजीत है जी, और फर्स्ट नंबर पे है जो कमल ठाकर जी। जो जीतेगा 100% श्योर जीतेगा। क्या लगता है, कमल जीतेगा? हाँ बिल्कुल 100% जीतेगा जी। आपका क्या नाम है? मांगेराम। अच्छा, क्या लगता है आपको, किस तरह से, जिस तरह दो कैंडिडेट बताए गए हैं तो किसको ज़्यादा समर्थन मिल रहा है? इस टाइम तो कमल ठाकुर को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और कमल ठाकुर ही जीतेगा जी। वजह क्या, कमल ठाकुर ही क्यों जीतेगा? मतलब अच्छा परिवार अच्छा है और उन्होंने बीड़ा भी उठाया है, भाई सारे गलियां पक्की कराऊंगा और अपने गांव का विकास कराऊंगा, इसलिए उसकी सारी समस्याएं दूर करूंगा गांव की, तो इसलिए जीतेगा। मेन समस्याएं क्या है आपके गांव की, क्योंकि छोटा सा गांव है, लगभग 1200 के करीब जो गांव के वोट हैं, तो क्या क्या समस्या है मेन धरातल की? जो मेन समस्या जो हमारे गांव की है वो रजिस्ट्री की है। पंचायत द्वारा कुछ प्लाट काट दिए गए हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं है जी। जो इन्होंने भरोसा दिलाया है हमारे गांव को कि वो रजिस्ट्रियां करवाएंगे, कुछ हमारी जो ज़मीनें हैं जो पंचायती ज़मीन पड़ी है वो सरकार द्वारा मांग उठाएंगे कि उनको प्लाट काट के उनको दिए जाएँ, जो बेघर हैं जो बेसहारा हैं उनको घर दिए जाएँ। ये उन्होंने जी लगातार तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, पंचायत चुनावों को लेकर लगातार हरियाणा डेली की टीम अलग गांव में जा रही है। तो मेरे साथ यहां पर कमल है। कमल, जिस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है क्या कहेंगे? गांव वाला का समर्थन बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है जी, और गांव वाले की फुल सपोर्ट अपनी तरफ है जी। अच्छा, गांव के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर घर में आप जा रहे हैं, किस तरह की जो समस्याएं हैं लोगों की वो आपके सामने आ रही है? गांव वालों के जैसे गरीब जनता है उनके बीपीएल कार्ड बनवाने हैं जी, और उनको ग्रांट दिलवानी है जी जी, और गांव में पक्की सड़कें बनवानी है और पार्क का निर्माण करवाना है जी। अच्छा, जिस तरह आपका कैंडिडेट सामने, जो दूसरा आपका कैंडिडेट है जिससे आपकी टक्कर बताई जा रही है, क्या लगता है उसमें किस तरह की फाइट चल रही है? अभी तक तो हम प्लस ही चल रहे हैं, 60% उससे आगे ही चल रहे हैं जी, और बाकी भगवान के ऊपर ही है जी जी। तो लगातार इस तरीके से आपको दिखाऊं कि पूरा गांव है जो इनके समर्थन में है उतरा हुआ है। उसके अलावा यहां पर जो मेन प्रत्याशी है, क्योंकि ये प्रतिनिधि है, उसके अलावा जो प्रत्याशी है पारुल यहां से जो यहां चुनाव लड़ रही हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, मैडम पारुल से बातचीत। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है लोगों के बीच? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए, उस लिए समर्थन बहुत बढ़िया, अभी तक तो सभी का सपोर्ट है, बाकी इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। आप यंगस्टर हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको पता है कि मेन समस्याएं क्या है, क्योंकि जो धरातल की जरूरतें होती हैं उसको किस तरह से देख रही हैं लोगों के बीच में? समस्याएं तो गलियों की है, लोगों की रजिस्ट्री बनवानी है, यहाँ लाइब्रेरी बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे बच्चों के लिए, सब कुछ वॉलीबॉल ग्राउंड वगैरह बनवाएंगे, और तो रजिस्ट्री मकानों की बनवानी है बस। क्योंकि आप एक महिला भी हैं, महिलाओं के बीच में जा रही है, काफ़ी सारे महिलाएं जो आपके समर्थन में, छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, तो महिलाओं की क्या कुछ समस्याएं आपके सामने? महिलाओं की कोई समस्या नहीं आई अभी तक तो, बाकी आएगी तो हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है, अगर आपकी जीत होती है तो क्या लगता है कि आप अपने गाँव के लिए पहले क्या कुछ करेंगे? बीपीएल कार्ड बनवाएंगे, नशा मुक्ति केंद्र बनवाएंगे सबसे पहले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रोड बनवाएंगे, सब कुछ गांव में सड़कें वगैरह पक्की करवाएंगे। अच्छा, आपके जो प्रतिद्वंदी है, प्रत्याशी है, जो दूसरे कैंडिडेट हैं, उनसे किस तरह की टक्कर मानते हैं, कितना आप मानते हो? अभी तक कुछ नहीं कह सकते उनका।
लगातार मेरे साथ पारुल थे, उनसे हमने बातचीत की है। पारुल का यही कहना है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है आजकल नशे का बना हुआ है, उसके अलावा जो धरातल की ज़रूरतें होती हैं, चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे और जो सड़कों की समस्याएं हैं गांव में होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि सिरसा में जो सिरसा है बॉर्डर का एरिया लगता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान तीन एरिए पड़ते हैं, उनसे बॉर्डर से सटा हुआ है, तो सिरसा में सबसे बड़ी समस्या नशे की है। उनका कहना है कि नशे को ख़त्म किया जाएगा, जो गाँव में जिस तरीके से जो नशे को फैलाया जा रहा है, लोग हैं उनको भी उस तरीके से जो नशे को रोकने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ काफी सारे और लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। क्या कहेंगे आप? ठीक है, अच्छा चल रहा है माहौल, कहूंगा बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। इस तरीके से नशे का यहां पर बताया जा रहा है कि नशे को बहुत ज्यादा नशा बताया जा रहा है, कम करने को लेकर प्रत्याशी ने कहा कि कम किया जाएगा, क्या कहेंगे? कोशिश रहेगी जी हमारी भाई, नशे से दूर करें, खेलों की तरफ रुझान करें लड़कों का, खेलेंगे तो नशे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी, ग्राउंड बनाए, वॉलीबॉल ग्राउंड है हमारा, और भी कई खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और भी कोशिश यही रहेगी हमारी कि ये बच्चों को आगे आगे करें, उनको खेलों में जो खेलेगा तो नशे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से पारुल आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में उतरी है, तो वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, 100% 100%। हाँ जी, तो लगातार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको हरियाणा डेली पे दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि गांव की जो एक्चुअल रिपोर्ट है, गांव के लोग हैं, क्योंकि छोटी सरकार मानी जाती है, छोटी सरकार में लोगों का जो यहीं से राजनीति शुरू होती है, धरातल से शुरू होती है। तो मैंने लोगों से बातचीत की, प्रत्याशी से बातचीत की, जिस तरह की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से कम किया जाएगा, तो सभी रिपोर्ट आपको दिखाई। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या पारुल इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? अपनी राय जरूर दीजिए और बने रहिए हरियाणा डेली के साथ। धन्यवाद।